B.ed सेकेंड ईयर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। आज हम यूनिट सेकेंड का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल। कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है? इट रेफर्स टू द मैनर इन विच पेरेंट्स रेस देयर चिल्ड्रन। दिस कैन रेफर टू द पेरेंट्स लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, परफॉर्मेंस डिमांड, अटेंटिवनेस टू रूल्स एक्सेट्रा, एज वेल एज द स्टाइल ऑफ डिसिप्लिन दैट द पेरेंट्स यूटिलाइज टू इन्फोर्स देयर एक्सपेक्टेशन। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं क्या होते हैं, पेरेंट्स जो अपने बच्चों से क्या होता है एक तरीके का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनसे क्या होता है वो सोचते हैं कि वो उनसे क्या होता है उनकी परफॉर्मेंस पे वो ध्यान देते हैं, उनसे कुछ ना कुछ उनके जो डिमांडेड होते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर ऐसा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो चाह और क्या होता है जो उन्होंने एक रूल्स बनाए होते हैं वो चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उस रूल को फॉलो करें, और क्या कहते हैं उसमें क्या उनको जो होता है कि तरीके डिसिप्लिन भी वो डिसिप्लिन को भी फॉलो करें। इस तरीके के जो पेरेंट्स होते हैं वो एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से करते हैं। अ पेरेंटिंग स्टाइल इज अ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट रिप्रेजेंटिंग स्टैंडर्ड स्ट्रेटजीज दैट पेरेंट्स यूज इन देयर चाइल्ड रेयरिंग। इसमें क्या होता है जो पेरेंटिंग स्टाइल है ये क्या है, साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजी की तरह बनाया गया, जिसमें क्या होता है जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन करते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल्स आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ पेरेंट्स रिस्पॉन्स एंड डिमांड टू देयर चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है जो पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं और कैसे डिमांड करते हैं अपने बच्चों से। एंड द क्वालिटी ऑफ पेरेंटिंग कैन बी मोर एसेंशियल देन द क्वालिटीज ऑफ टाइम स्पेंड विद द चाइल्ड। जो क्वालिटी होती है पेरेंटिंग स्टाइल की वो कब ज़्यादा एसेंशियल होती है कि जितना ज़्यादा हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतने से अच्छे से हम अपने बच्चों को समझा पाएंगे, उनसे जो एक्सपेक्टेशन है वो हमारे बच्चे पूरे करेंगे। रिसर्च सजेस्ट डेट पेरेंटिंग स्टाइल हैव इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑन द बेस्ट डेट चिल्ड्रन डेवलपमेंट। इसमें क्या कहता है जो रिसर्च ने उन्होंने सजेस्ट किया था जो पेरेंटिंग स्टाइल है एक इम्पोर्टेंट इफेक्ट निभाता है तो किसी भी बच्चे के डेवलप होने में। पेरेंटिंग कैन बी अथॉरिटिव अथॉरिटियन परमिसिव और निगलेक्टिंग पेरेंटिंग। जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो क्या होता है फोर टाइप्स की होती है, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, अथॉरिटेरियन और परमिशन और निगलेक्टफुल पेरेंटिंग। फर्स्ट पॉइंट है अथॉरिटिंग पेरेंटिंग स्टाइल, इसमें कि एस्टैब्लिश रूल्स एंड गाइड्स दैट देयर चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो। इसमें क्या होता है इसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके रूल्स और रूल्स उनके रूल्स जो होते हैं उसे फॉलो करें और जो उनकी गाइडलाइंस है वो सारी चीज़ उनके बच्चे पूरी करें। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल आर ऑल्सो नॉन एज स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाई द पेरेंट्स हु आर डिमांडिंग बट रिस्पॉन्सिव। इसमें क्या होते हैं जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों से क्या होता है स्ट्रिक्टली होते हैं, उसे डिमांड करते हैं कि हमें तुम्हारे से किसी भी टेस्ट वगैरह अगर उसमें इतने नंबर नहीं आए तो उन्हें पनिश करेंगे, मतलब इस तरीके से उसमें क्या होता है जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों से डिमांड करते हैं। परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल, इसमें क्या होता है रेयरली डिसिप्लिन देयर चिल्ड्रन बिकॉज दे बिहेव रिलेटिवली लो एक्सपेक्टेशन ऑफ मैच्योरिटी एंड सेल्फ कंट्रोल। इसमें क्या होता है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल में, इसमें क्या होता है जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो होते हैं डिसिप्लिन में रहे और बिहेव रिलेटिव लो, और क्या होता है जो उनके बिहेव में होता है बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन होता है क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो मैच्योरिटी की ओर जा रहे होते हैं और वो जो अपनी चीज़ें उस पर सेल्फ कंट्रोल करते हैं। निगलेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल, इसमें क्या होता है इज मोस्ट हार्मफुल पेरेंटिंग स्टाइल। जो निगलेक्टिव पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल पेरेंटिंग स्टाइल होता है, इट इज़ अनलाइक द अदर स्टाइल। इसमें क्या होता है ये जो बाकी तीन जो स्टाइल बताए हैं उस चीज़ को ये फॉलो नहीं करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए।